पूछताछ कर सकती है। टीम न्यूज स्टेट। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे खुदकुशी का मामला, 7 महीने बाद गायक समर सिंह जेल से बाहर आया। आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी समर सिंह जमानत पर रिहा हो गए। वाराणसी में बंद समर सिंह गुरुवार सुबह जेल से बाहर आया है। समर को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आकांक्षा दुबे का शव होटल के कमरे में लटकता मिला था। पुलिस ने समर सिंह को 6 अप्रैल को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था और अब 7 महीने बाद समर सिंह जेल से बाहर आया है। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की खुदकुशी का यह पूरा मामला, जिसमें समर सिंह पर शिकंजा कसा गया था। समर सिंह से पूछताछ की गई थी और उसके बाद से समर सिंह 7 महीने तक जेल में रहा और अब बाहर आया है। 7 महीने बाद गायक समर सिंह जेल से बाहर आया है। गाजियाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया था। 6 अप्रैल की वो तारीख थी जब समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, समर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। देखिए, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की खुदकुशी मामले में 7 महीने बाद समर सिंह जेल से बाहर आया है। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत जरूर मिली है, पर जिस तरीके से आकांक्षा दुबे की मां ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे समर सिंह का ही हाथ है और इस पर लगातार अभी भी केस कोर्ट में चल रहा है, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका जब सुनवाई होगी तो उसमें और क्या चीजें सामने आती है इसका तय होगा। पर अभी की बड़ी खबर यह है कि 7 महीने बाद समर सिंह अब जेल से बाहर आया है। 7 महीने तक लगातार उसकी सुनवाई होती रही पर उसे कोर्ट ने राहत नहीं दी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में समर सिंह का जो केस चलता है, जो आकांक्षा दुबे की खुदकुशी मामले पे आरोपी बनाया गया है, तो उस पर क्या कुछ चीजें सामने आती है और फिर क्या कुछ कोर्ट का फैसला पता है। ठीक है सुशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।